कैमरामैन दिखाएं, जितनी भी किसी भी साइड पे दिखा दें, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कोई चीज नजर नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन कुछ लोग खबरें इवन ये आ रही हैं कि भाई ये पाकिस्तान से कैंसिल भी हो सकती है अगर यही सिचुएशन रही, और वो भी फिर इंडिया चली जाएगी। क्या सूरत हाल इस समय पाकिस्तान की बनी है, क्या परेशानी है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें दुनिया में कहाँ से कहाँ मतलब आगे बेहतरी आ रही है टेक्नोलॉजी और आगे इन्वेस्टमेंट। इंडिया की अगर बात कर ले, वहाँ दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, हमारे यहाँ पे क्यों ये परेशानी बनी है? आजाद इस तरह के जी के आजाद हैं हम, आजाद हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे अमाल जो अच्छे नहीं है, अमाल अच्छे नहीं है। अगर हम पांच वक्त की नमाज एक सफा सिर्फ पुराने पाकर डेली पढ़े, ठीक है, तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नीते जो ना जो हुक्मरान है ना, उनकी नीते जो ना अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब हमें किसी गवर्नमेंट से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी प्राइम मिनिस्टर से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हम पांच वक्त की नमाज पढ़े, एक सफा कुरान पाक का पढ़े, टेंशन खत्म इंशाल्लाह। जितने मैं सही बिल्कुल हल्फन बयान नहीं कह सकता, तो और दूसरी बात यह है कि इनका मालामाल भी नहीं है, हम लोग का धर्म नीतों पे है, हम नियत अच्छी रखें, मामला अच्छे से अच्छे रखें, तो इंशाल्लाह ये ना बेहतरी से बेहतरी आएगी। आपकी बात है, मैं कर सकता हूँ। आपको याद होगा कि जब मेरी उम्र उस वक्त थी 10 साल या 8 साल की, उस वक्त डेली यानी ना डेली सुबह के टाइम दुरूद पाक फिर होता था, बाकायदा रेडियो में यानी ना लॉन्च होता था, जिसने पैंट पहनी है, निकर पहनी है, जिसने टोपी पहनी है, वो सब सुनते थे मेरे कहने, और सुन के उसके बाद यानी कि ना अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, लेकिन मुझे ये मामला जो ना बड़े अच्छे हैं, मुझे ये पता नहीं। नहीं, वो तो वो एक मजहब जो उनसे हर एक का पर्सनल है, आप अगर चाहे एक एक सफे की बजाय 2 सफे 10 सफे पुराने पाक पूरा सपारा डेली पढ़ा पर करें, वो तो आपकी ओपिनियन है, लेकिन देखें हमारे मजहब में भी ये कहा गया कि आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्या आप इस बात से भाईजान एग्री, एक मिनट में भाई से पूछता हूँ, आप एग्री करते हैं कि पांच वक्त की नमाज पढ़ लें, एक सफा पुराने पाक का पढ़ लें, सारे मसले हल हो जाएंगे? मुझसे पूछे ना जी, आप मैंने अगर आपको बताया तो फिर मुझसे पूछे जी, आप बताएं। सर जी, जब ये इस पटरी पे चलोगे आप जी, चले तो फिर खुद ब खुद जेन खुल जाएंगे, ठीक है, जब जेन खुलेंगे तो फिर सीधा रास्ता मिलेगा आपको, ठीक है, जब सीधा रास्ता मिलेगा तो फिर उसमें मेहनत भी आएगी, सब कुछ आएगा आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब इसको पकड़ोगे नहीं आप, तो फिर नहीं इस चीज को पकड़ोगे तो फिर कैसे आप परेशानी होगी? नहीं, ये सवाल ये है, सवाल ये है कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज, जैसे भी मैं इंडिया की बात कर रहा था, हमने और उन्होंने कठे सफर स्टार्ट किया था 1947 में, क्या वहाँ पे जो सब इंडियंस हैं, जितने भी उनके पॉलिटिशियंस हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, जितने भी इंडियंस हैं, वो पांच वक्त की कोई नमाज पढ़ते हैं जो उनको आगे जा रहे हैं? लेकिन उनके उनकी नीति जो ना साफ है, सही है, अच्छा, वो अपने यानी कि ना मुल्क को तरक्की में ना आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, हमारा यानी कि ना हमारा जो बेस है ना जी, हमारा जो यानी कि ना बुनियाद जो ना वो ये है, जब हम अपनी बुनियाद को छोड़ देंगे तो फिर भटक जाएंगे, तो फिर मेरे कहने में ऐसे ही होगा। जो इस टाइम जो लाहौर की सिचुएशन है, इवन पूरे पंजाब की जो सिचुएशन है, अगर कैमरामैन दिखाएं, जितनी भी किसी भी साइड पे दिखा दें, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कोई चीज नजर नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि शायद रात के 2-3 बजे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जबकि अभी ये 8 बजे का टाइम है। तो क्या वजह है, लाहौर जैसे सिटी में अगर 8 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा, मार्केट बंद, सब दुकानें बंद, सब कुछ बंद, रोजगार कहाँ से आएगा, बिजनेस कहाँ से होगा, इंटरनेट नेशनल इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान में आएगी? और अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन कुछ लोग खबरें इवन ये आ रही हैं कि भाई ये पाकिस्तान से कैंसिल भी हो सकती है अगर यही सिचुएशन रही, और वो भी फिर इंडिया चली जाएगी। वो कल नहीं ना हम लोगों का, अच्छा, अल्लाह पे यकीन नहीं है, अपने कारनों में भी नहीं हमारे। हाँ बिल्कुल, देखो ना, जब बुनियाद बेस ही सही नहीं है, ठीक है, जब बुनियाद बेस सही नहीं होगी, हमारा दीन मजहब जो ना हमारा इस्लाम है, ठीक है, हम उसको नहीं पकड़ेंगे फिर हम किस तरह चलेंगे, हम फिर इसी तरह होगा। वो किताबें सच पे लाती जितना मर्जी यानी कि बंदा हाई लेवल पे हो जाए, लेकिन वो मामला जो ना उसी तरह ही होंगे जिस तरह हो रहे हैं। जैसे ये कंडीशन आप नजर आ रही ना आपको, मैं हल्फन कहता हूँ कि ये चीज पे अमल करेगा ना बंदा। नहीं नहीं, वो तो आप क्या, मैं उसे डिसएग्री नहीं कर रहा, वो जिसका दिल करे इबादत करे, जिसका दिल करे ज्यादा इबादत करे। जब बंदा नमाज पढ़ता है, अच्छा, बेहयाई से बजाती है, ठीक है, बाकी सारे मामला से यानी कि बजाती है, तो जब बजाएगी फिर जेन खुलेगा, जेन खुलेगा तो फिर बंदा सही तरीके से मेहनत भी करेगा, मशक्कत भी करेगा, हर चीज करेगा, ठीक है। लेकिन क्या वजह है, हम आपको पता है, हम सबको अगर ये चीजों का पता है, फिर भी पाकिस्तान में परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, आटे पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है,
जबकि नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, मुझे बताएं इससे हम दुनिया में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करने लगा हूँ, दुनिया में ज्यादा परेशानी इससे हम इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर है मोस्टली, ओवरऑल अगर एवरेज बात कीजिए, या नॉन मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर है? पाकिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान में इस टाइम देख लें, बांग्लादेश में देख लें, इवन ईरान में जो ये जंग का माहौल चल रहा है, ये फलस्तीन, लिबनान, ये सब इस्लामिक कंट्रीज है, यहाँ पे परेशानी है या दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज में? तकरीबन ऑलमोस्ट देखो जी, कहाँ मुझे ये बताए ना परेशानी ज्यादा किधर है? परेशानी तो मेरे कहने के मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मुसलमानों को इस वक्त, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के मुसलमान फिर इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, यही अल्लाह ताला सबसे नाराज है, मेरी वही बात, इसका मतलब फिर मुसलमानों का कसूर हुआ ना। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।